दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए ऑनर्स इन जियोग्राफी। अगर आपको जियोग्राफी सब्जेक्ट पसंद है, आप जो है जियोग्राफी को लेकर के अपना आगे करियर बनाना चाहते हैं, तो आप किस फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं, यानी कि आगे जो है आप कौन कौन सी जॉब कर सकते हैं और जियोग्राफी को लेकर के आप अपनी स्टडी कैसे कम्प्लीट कर सकते हैं। तो अगर आपको बीए करना है जियोग्राफी से तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो एवरीवन, दिस इज अनुराधा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्नोमेज। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, यहाँ पर हम जियोग्राफी के बारे में बात कर लेते हैं कि जियोग्राफी में जो है आपको क्या चीज़ें पढ़ाई जाती है। तो वैसे तो आई होप कि आप जानते ही होंगे कि जियोग्राफी में आपको क्या चीज़ें बताई जाती है। इसमें जो है आपको भूमि के बारे में, जल के बारे में, पर्यावरण के बारे में, अंतरिक्ष के बारे में, ये सारे जितने भी चीज़ होती हैं वो सारे आपके जियोग्राफी सब्जेक्ट में आता है। यानी कि जियोग्राफी में जो है आपको पूरा भूगोल बताया जाता है, जैसा कि आप जानते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप जियोग्राफी को लेकर के आगे चलना चाहते हैं, जियोग्राफी से अपना स्टडी करना चाहते हैं, तो आप बीए ऑनर्स इन जियोग्राफी कर सकते हैं। बीए ऑनर्स इन जियोग्राफी करने के लिए क्या करना होगा, किस तरीके से एडमिशन लेना होगा, क्या प्रोसेस है, वो सारी चीज़ें एक एक करके हम लोग अभी देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके एडमिशन के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो जैसे कि आपका नॉर्मल, अगर आप ग्रेजुएशन करते हो, बीए करते हो, तो जो एलिजिबिलिटी होती है 10+2, वही एलिजिबिलिटी इसके लिए भी है। अगर आप बीए ऑनर्स जियोग्राफी से करते हो तो आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो 10+2 होनी चाहिए। अगर आप 10+2 हैं किसी भी स्ट्रीम से हो, ये मायने नहीं रखता है कि आप जो है आर्ट्स से हो, साइंस से हो, कॉमर्स हो, किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने 10+2 क्वालिफाई कर लिया है तो इसके बाद जो है आप बीए जियोग्राफी कर सकते हैं, यानी कि इसमें जो है एडमिशन ले सकते हैं। और इसका जो एडमिशन प्रोसेस होता है ये जो है दो तरीके से होता है। एक तो आपका मेरिट बेस पे होता है और दूसरा आपका एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू होता है। बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो कि आपका डायरेक्ट एडमिशन लेती है मेरिट के बिहाफ पर, और बहुत सारी ऐसी टॉप लेवल की यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, जो कि एंट्रेंस एग्जाम अपना लेती है, मतलब कि एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम कराती है। तो अगर आपका मेरिट बेस पे एडमिशन हो रहा है तो जो आपका इंटरमीडिएट में जितना भी परसेंटेज होगा उस परसेंटेज के हिसाब से जो है आपका एडमिशन होगा। और हर स्टेट का अलग अलग रूल होता है, हर कॉलेज का अलग अलग रूल होता है कि वहाँ पर जो है इतना परसेंटेज चाहिए। मिनिमम परसेंटेज की अगर बात करें तो लगभग 45-50% अगर आपका मार्क्स है तो आपको एडमिशन मिल जाता है। और अगर आप एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू जाते हैं तो आप जो है एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कीजिए, उसके बाद जो है आपको उस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। इसके कुछ एंट्रेंस एग्जाम होते हैं जैसे कि LPU NEST, इसका एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, और एक होता है GATA और एक होता है GVSAT। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसका फ़ायदा क्या है। अगर आप जो है बीए जियोग्राफी से कर लेते हो तो ये करने के बाद आपको क्या बेनिफिट्स मिलने वाला है। तो अगर आपका इंटरेस्ट टीचिंग लाइन में है, आपको एक हायर टीचर बनना है, आपको जो है किसी कॉलेज में जो है टीचर बनना है, तो आप जो है जियोग्राफी से बीए कर सकते हो और आगे चल के जो है आप एक जियोग्राफी के टीचर बन सकते हो। या फिर जो है अगर आपको इसमें रिसर्च के फील्ड में आगे जाना है तो भी जो है आपके लिए बेस्ट होगा। आप इसमें जो है MPhil वगैरह कर सकते हो, PhD वगैरह आगे सारी चीजें जो है आप कर सकते हो। तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो तो आप जो है जियोग्राफी से बीए कर सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसे फील्ड हैं जहां पर कि आप जॉब कर सकते हो। तो अगर आप जियोग्राफी में इंटरेस्टेड हैं, आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं, साथ ही साथ अगर आप जो है एनवायरमेंटल कंपनी वगैरह में जॉब करना चाहते हैं तो जो है आपके लिए ये सही होगा। साथ ही साथ इसके अलावा कुछ आपके पास स्किल्स भी होनी चाहिए। वो स्किल्स क्या है, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल्स होनी चाहिए, टीम वर्किंग की स्किल्स आपके साथ होनी चाहिए, मेडिकल स्किल्स भी जो है होनी चाहिए। यानी कि ये कुछ स्किल्स है जो कि आपके पास होनी चाहिए। इसमें फीस कितनी लगती है, तो फीस जो है इसमें अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं तो आपको कम फीस देनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप प्राइवेट कॉलेज से करते हो तो आपको ज़्यादा फीस देनी पड़ेगी। एक एवरेज फीस की अगर बात करें तो एवरेज फीस जो है आपकी 2000 से स्टार्टिंग है और 3 लाख के अंदर जो है आपका फीस कंप्लीट हो जाता है। तो ये आपकी फीस है और पर ईयर की ये जो है फीस है। ज़्यादा 3 लाख तक तो नहीं जाएगा, इससे कमी में जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा, पर ये डिपेंड करता है कि अगर आप प्राइवेट से करते हो या फिर जो है किस कॉलेज से करते हो, कहां पर जो है उसका क्या लोकेशन है, किस टाइप का कॉलेज है, क्या फैसिलिटी है, तो ये सारी जो चीजें हैं ये आपके फीस पर प्रभाव डालती हैं कि आपका फीस जो है कितना होना चाहिए। और उसके बाद अगर आप जो है मान लीजिए कि बीए जियोग्राफी से कर लेते हैं, उसके बाद अगर आप अपनी स्टडी कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो आप जो है क्या क्या कर सकते हैं। तो आप जो है जियोग्राफी से अपना ग्रेजुएशन यानी कि आप जो है बीए कंप्लीट करने के बाद आगे पोस्ट
पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं, लाइक आप जो है एमए कर सकते हैं जियोग्राफी से, उसके बाद भी अगर आपको रिसर्च के फील्ड में जाना है तो आप एमफिल वगैरह कर सकते हैं, या फिर अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो आप जो है पीएचडी भी कर सकते हैं जियोग्राफी से। चलिए अब उसके बाद हम लोग देख लेते हैं इसके एम्प्लॉयमेंट एरिया की, और साथ ही साथ इसके कुछ टॉप कॉलेजेस के बारे में भी हम आपको बताएंगे कि कहाँ से जो है आप एडमिशन ले सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके एम्प्लॉयमेंट एरिया की कि अगर आप बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी कि बीए जो है अगर आप जियोग्राफी से करते हो तो जो है आपके पास क्या क्या एम्प्लॉयमेंट एरिया, किस किस फील्ड में जो है आप जॉब कर सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले आप जो है ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री में जॉब कर सकते हो, सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल मैनेजमेंट इंडस्ट्री में जॉब कर सकते हो, या फिर जो है आप रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में भी जॉब कर सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो ऑयल ड्रिलिंग इंडस्ट्री में जॉब कर सकते हो, मीनिंग इंडस्ट्री में जॉब कर सकते हो, या फिर जो है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन में आपके लिए जॉब है वहाँ पर भी जॉब कर सकते हो, या फिर एग्रीकल्चर रिसर्च के फील्ड में जा सकते हैं और टीचिंग के फील्ड में जा सकते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, अगर आपको टीचर बनना है, टीचिंग के फील्ड में जाना है तो आप जो है इस फील्ड में भी जा सकते हैं। एनवायरमेंटल कंपनी में अगर आपको जॉब करना है तो इस फील्ड में भी जा सकते हैं। तो ये कुछ जो है एम्प्लॉयमेंट एरिया आपके पास हो जाते हैं, जो कि अगर आप बीए ऑनर्स इन जियोग्राफी से करते हो तो जो है आप इस फील्ड में जॉब कर सकते हो। उसके बाद हम लोग टॉप कॉलेजेस के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कॉलेज की बात करें तो वो है दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, यहाँ से जो है आप जियोग्राफी से बीए कर सकते हो, या फिर जो है प्रेसिडेंसी कॉलेज जो कि कोलकाता में है आप यहाँ से कर सकते हो, या फिर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो कि दिल्ली में है यहाँ से भी आप कर सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छा कॉलेज है, या फिर जो है नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी बिहार में है जो कि यहाँ से भी जो है आप कर सकते हो, या फिर जो है शहीद भगत सिंह कॉलेज जो कि दिल्ली में है आप यहाँ से भी कर सकते हो, या फिर अगर आप चाहो डीडीयू गोरखपुर तो वहाँ से भी जो है कर सकते हो, लखनऊ यूनिवर्सिटी से अगर करना चाहो तो वहाँ से कर सकते हो, या फिर जो है छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी यहाँ से भी अगर आप चाहो तो कर सकते हो। तो ये कुछ जो है टॉप कॉलेजेज हैं जहाँ से अगर आप चाहते हो तो आप जो है जियोग्राफी से बीए कर सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कॉलेजेज हैं जहाँ से आप करना चाहो तो कर सकते हो। आप जिस भी एरिया में रह रहे हो आप देखिए आपको कहाँ से करना है, जैसे कि अगर आपको दिल्ली से करना है तो आप सर्च कीजिए कि दिल्ली में कौन कौन से कॉलेज हैं टॉप लेवल के, या फिर जो है अगर आपको लखनऊ में करना है तो लखनऊ में आप सर्च कीजिए, कोलकाता में करना है वहाँ सर्च कीजिए, मतलब कि जहाँ से भी आपको करना है आप वहाँ पर जो है सर्च करके कॉलेज पता कर सकते हो। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपने देखा कि अगर आप बीए जियोग्राफी से करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और अगर आपको चैनल पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।